व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस साइकिल में डिस्क ब्रेक सेटअप करने वाले हैं। तो ये विदाउट डिस्क वाली साइकिल है, आज हम इस साइकिल में डिस्क लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसकी जो किट है आपको मार्केट में मिल जाएगी 400 रुपीज़ की। और गाइस, ये किट आपको सारी दुकान पर नहीं मिलेगी और मिलनी मुश्किल है, और जिस पे होती है वो महंगी देते हैं, और ऑनलाइन तो उसके प्राइस 700 है। तो इसके अंदर आपको ये सारे सामान मिल जाएंगे, डिस्क ब्रेक और ये इसका क्लिप लगाने का, डिस्क ब्रेक का क्लिपर और इसके होल्डर पैच वैच जो भी है, सारे सामान इसके अंदर किट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जिसको बाय करना है उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकती हो अमेज़न पे से। दोस्तों, ये है वो साइकिल जिसमें हम डिस्क ब्रेक का सेटअप करने वाले हैं, एटलस एवोल्यूशन है इसका नाम। तो इसमें हम 160mm का डिस्क ब्रेक लगाने वाले हैं। तो ये हमारी डिस्क की प्लेट है और इसके ऊपर हमें ये इसका होल्डर लगाना है, और इस होल्डर की मदद से जो ये डिस्क प्लेट है हमारी साइकिल के रिम के ऊपर टाइट हो जाएगी। तो इसे डिस्क प्लेट को इसके ऊपर टाइट करेंगे हम पैच की मदद से। तो इसके लिए हमें एल की का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी फिट हो जाएगी, और फिर हमें इसका व्हील है उसे बाहर निकालना है सबसे पहले। तो आपको एक की लेनी है और इसकी मदद से ये इसकी जो व्हील है वो आपको साइकिल में से बाहर निकाल देनी है। तो ये आपका व्हील जो है वो अलग हो जाएगा इस तरीके से। पहले आपको जो पावर ब्रेक्स हैं या जो उनसे ब्रेक है पहले उसको हटा देना है, और फिर आराम से आपका व्हील बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम इस डिस्क ब्रेक को इसके ऊपर टाइट करेंगे। तो गाइस, ये इसके ऊपर टाइट नहीं होगा, इसके लिए हमें जो इसका हब है उसे चेंज करवाना पड़ेगा। दोस्तों, वो चेंज करवाने के लिए आपको साइकिल के मैकेनिक की शॉप पे जाना पड़ेगा और उसे बोलना होगा कि जो पिछले रिम का हब होता है वो मुझे लगवाना है, और आपको वो आपके रिम में ये वाला हब लगा के दे देगा। इसके ऊपर ग्रिप होती है, और उस ग्रिप में ये जो डिस्क है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो डिस्क है वो इसके ऊपर टाइट हो जाएगा। तो देखिए, हमारा जो डिस्क है वो इसके ऊपर टाइट हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए शॉप पे जाना पड़ेगा, वही चेंज करके देगा। और डिस्क हमारा रिम में लग गया है, अब हम साइकिल को इस व्हील के ऊपर फिक्स कर देंगे। तो देखिए, हमने रिम को लगा दिया है साइकिल में, और अब इसका जो क्लिप है जिसके ऊपर आपका डिस्क ब्रेक का क्लिपर टाइट होगा वो लगाना है। तो उसे आप अंदर से लगा सकते हो या बाहर से लगा सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्लिपर कहाँ पे फिट हो रहा है, उसके हिसाब से आपको ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ फिक्स करना है। और फिर गाइज, आपको इसके जो पैच है दोनों साइड के टाइट कर देने हैं। तो चलिए गाइज, पैच टाइट हो गए हैं, और ये हमारा इसका जो क्लिपर का होल्डर है उसे लगाना है। तो गाइज, इसे मैंने पहले से ही एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि इसे एडजस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा है, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, आपको खुद ही एडजस्ट कर लेना है। इसलिए इसका पेंट जो है वो थोड़ा सा उतर गया है। तो इसमें आपको पैच लगा देने हैं और ये टाइट हो जाएगा, फिर आपको क्लिपर लगाना है। तो क्लिपर आपका अगर डिस्क ब्रेक के साथ फिक्स हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको उसे थोड़ा सा दूर लगाना है। तो फिर उसके लिए आप इस टाइप का पेंच लगा सकते हो, और उसके बीच में ये इसका वो लगा देना है आपको बोल्ट, और फिर इस तरीके से टाइट कर दोगे तो जो आपका क्लिपर है थोड़ी सी दूर हो जाएगा, और
जो आपकी डिस्क की प्लेट है उसके साथ बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है उसके लिए आपको डिस्क का ये दूसरे वाला पैंच जो है उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, उससे ही एडजस्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो क्लिपर है वो टाइट हो जाएगा और थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो डिस्क ब्रेक का जो सेटअप है वो थोड़ा महंगा पड़ता है और इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको हब भी चेंज करवाना पड़ेगा, ऊपर से डिस्क की प्लेट खरीदनी पड़ेगी, तो इसमें बहुत सारी झंझट है और बहुत मुश्किल है इसे लगवाना भी, क्योंकि मैंने लगवाया है, मुझे पता है कि इसे लगाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है। इसे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको इसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और साथ में आपको बेल आइकन दबाना है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो डिस्क जो है हमने फिट कर दिया है और अब हम एक वायर लगाएंगे क्लिपर और ब्रेक्स के साथ। तो पहले पुराने वाला ब्रेक का वायर जो है उसे निकाल लेंगे। तो मैं इसे पीछे वाले ब्रेक में फिट करूंगा, क्योंकि पीछे वाला ब्रेक जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, क्योंकि उसके रिम में लैक आ गया है और लैक की वजह से जो पिछले ब्रेक्स हैं वे काम नहीं करते, इसलिए मैं पिछले वाले ब्रेक्स हटा रहा हूँ। और ये मैंने इसके वायर लगा दिए हैं और फिर आपको ये एडजस्ट करना है थोड़ा बहुत, और फिर दोनों के गैप जो हैं वे एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए, और इस तरीके से आपको इसे टाइट कर देना है फिर। और ये आपका ब्रेक लग गया है और बस इसके वायर क्लिपर के साथ जोड़ने हैं। तो ये है ब्रेक्स का वायर और इसे इसके ऊपर लगाना है इस तरीके से। और एल की मदद से हम इसे टाइट करेंगे। पहले ब्रेक्स ब्रेक का जो वायर है उसे यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देना है आपको। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको इसे एल की से टाइट कर देना है और ये आपका डिस्क का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। और अभी हम डिस्क चला के देखेंगे तो ये काम भी कर रहा है अच्छे से। तो हमारा डिस्क का जो सेटअप है वो गाइस कंप्लीट हो गया है और अभी हम इसे टेस्ट करके देखेंगे डिस्क ब्रेक कैसे काम कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए गाइस, डिस्क ब्रेक तो अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी हम इसे चला के देखेंगे। तो गाइस, हम इस साइकिल में डिस्क ब्रेक क्यों सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि गाइस अगर साइकिल के रिम में थोड़ा सा भी लैक आ जाता है या साइकिल का रिम थोड़ा सा भी बेंट हो जाता है तो पावर ब्रेक्स या वी ब्रेक्स होते हैं वे काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और बारिश के टाइम में तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अगर आपके जो रिम है वो थोड़ा सा गीला हो गया है तो आपके जो पावर ब्रेक्स है वो काम नहीं करेंगे, लेकिन डिस्क ब्रेक थोड़े से रिलायबल हैं तो इसलिए हमने डिस्क ब्रेक का सेटअप किया है। अभी हम दोनों ब्रेक्स एक साथ मार रहे हैं क्योंकि हमने अगले दोनों ब्रेक्स चालू रखे हैं, तो दोनों ब्रेक्स हम एक साथ दबा रहे हैं तो वीली हो जा रही है। अभी डिस्क नया है इसलिए उससे वीली नहीं होगी। तो गाइस, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएं और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर सको। तो गाइस, मेरा नाम है ब्रिजेश, शाइनिंग ऑफ विद मेगा टेक्निक्स। ओके, बाय।